हाँ स्पाइरल मैट्रिक्स टू, ठीक है। इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एन क्रॉस एन मैट्रिक्स जनरेट करनी है, उसमें तुम्हें स्पाइरल ऑर्डर में वन वन से लेकर एन स्क्वायर नंबर को भरना है, ठीक है। जैसे एन इक्वल टू थ्री है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और एन इक्वल टू फाइव है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 25 तक, ठीक है, मेरा 25, ठीक है, तो ऐसे 25 तक भरना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली पहले इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में मूव करना है, फिर इस डायरेक्शन में मूव करना है, फिर इस डायरेक्शन में मूव करना है, फिर रिपीट करना है वही चीज, ठीक है ना। तो तुम्हारा शुरुआत कहाँ से होगी, इस वाले एलिमेंट से होगी, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है, i0 j0, और ये है को एलिमेंट कहाँ से शुरुआत होगी, वन से, वन को भरूंगा मैं, ठीक है, और मैं राइट में मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। राइट में मूव, मेरे को कितने मूव करने पड़ेंगे राइट में, ठीक है, राइट में राइट को किससे इनिशियलाइज करूंगा मैं, एन से, एन बार मूव करना है मुझे राइट में, ठीक है। और डाउन कितनी बार मूव करना है, डाउन डाउन मुझे एन माइनस वन बार मूव करना है, ठीक है। और लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया है ना, लेफ्ट भी मुझे एन माइनस वन बार मूव करना है, ठीक है। ये एन माइनस वन लेंथ हो गई, ये एन 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 माइनस वन लेंथ हो गई, ये एन लेंथ हो गई, और ये कितनी लेंथ हो गई, ये अप, अप मुझे कितनी बार मूव करना है, एन माइनस टू बार मूव करना है, ठीक है। तो ये सारी लेंथ हो गई। अब मुझे राइट में कितनी, राइट में कितनी बार मूव करना है, एन बार मूव करना है ना। तो ठीक है, तो मैं राइट में मूव कर रहा हूँ, है ना, मूविंग इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो मूविंग इन, अब मैं राइट में मूव कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो मैं राइट में मूव कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं ये मैट्रिक्स का जो आई है, मैं आई कॉमा जे क्या है, 0 0, तो उसको मैं एलिमेंट में रख दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने वन को रख दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं भाई अब आई तो वही फिक्स रहेगा, है ना, इस डायरेक्शन में आई तो फिक्स है, तो मैं जे को बढ़ा दूंगा, ठीक है, और एलिमेंट को भी बढ़ा दूंगा, है ना, कि अगली बार टू को रखना, ठीक है ना। और ये मैं कितनी बार करूंगा, एन बार करूंगा, मतलब राइट बार करूंगा, है ना। अभी तो मैं एन बार ही करूंगा ना, ठीक है, अगली बार के लिए जब होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये है, तो ये अगली बार जब मैं राइट में मूव करूंगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, तो अभी तो मैं राइट बार मूव करूंगा, राइट कितना है, एन बार मूव करूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, ये राइट जो है, ये मेरा अगली बार कितनी बार रिड्यूस हो जाएगा, राइट माइनस टू, अभी एन है, बाद में एन माइनस टू हो जाएगा, जब अगली बार मैं राइट में मूव करूंगा तो एन माइनस टू बार मूव करूंगा, ठीक है। और अब मैं डाउन डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक आ गया, अब मैं डाउन डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ, तो अभी मेरा आई को, आई आई तो यहाँ पे ही है ना, तो मैं आई को बढ़ा दूंगा, ठीक है, आई को बढ़ा दिया, इस आई पे ले आया, ठीक है। और जे यहाँ पे मैं जो है, ये लूप से जब निकल रहा था तो जे यहाँ पे आ गया था ना, जे इक्वल टू फाइव हो गया था, तो मेरे को जे इक्वल टू वापस से 4 करना पड़ेगा, ठीक है, तो जे माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आ गया, इस एलिमेंट पे आ गया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डाउनवर्ड मूव करूंगा, ठीक है, अब मैं डाउनवर्ड मूव करूंगा, ठीक है। तो वही सेम चीज करूंगा मैं, डाउन कितनी बार मूव करूंगा, एन माइनस वन बार, अभी एन माइनस वन ही है, ठीक है, तो एलिमेंट के बराबर कर दिया उसको, फिर एलिमेंट को प्लस प्लस कर दिया, और फिर उसमें मतलब इसका मतलब है कि मैंने 6 रख दिया, ठीक है, वहां पे 6 रख दिया, और फिर मैंने क्या करा, आई प्लस प्लस कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, मतलब मैं यहाँ पे चला गया, ठीक है। और ये मैं कितनी बार करूंगा, डाउन बार करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, अगली बार डाउन क्या हो जाएगा, ये एन माइनस वन बार है, अभी अगली बार डाउन 2 रिड्यूस हो जाएंगे, ये देखो ये है ना, ये और ये, एन माइ ये एन था, ये सॉरी एन माइनस वन था, तो अब डाउन कितनी बार, कितने से रिड्यूस हो गए, 2 से रिड्यूस हो गए, ये और ये चला गया, ये दोनों रहे, तो डाउन हो जाएगा एन डाउन माइनस टू, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, अब अगली बार, अब
अब मेरा यहाँ पे, अब मुझे लेफ्ट में मूव करना है, लेफ्ट में मूव करना है, मेरा जे तो यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, जे को माइनस माइनस करूँगा, जे माइनस माइनस करा, और मैं आई मेरा है जो इस लूप की वजह से यहाँ पे आ चुका होगा, आई इक्वल टू 5 आ चुका होगा, तो मैं वापस आई इक्वल टू 4 पे जाऊँगा, है ना, आई इक्वल टू 4 पे जाऊँगा, तो आई माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आ गया लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, वही एलिमेंट के बराबर कर दूंगा, एलिमेंट को प्लस प्लस कर दूंगा, जे माइनस माइनस कर दूंगा अगली बार के लिए, मतलब यहाँ पे जाओ, ठीक है। फिर ये मेरा कितनी बार चलेगा लूप, ये मेरा चल जाएगा लेफ्ट बार, लेफ्ट कितना है, एन माइनस वन बार, ये एन माइनस वन लेंथ है, ठीक है, एन माइनस वन बार चलेगा। फिर लेफ्ट अगली बार के लिए कितनी बार, कितने से रिड्यूस हो जाएगा, ऑरेंज वाले को देखो ये, ठीक है, तो लेफ्ट हो जाएगा, वो भी लेफ्ट माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, वही सेम चीज, आई माइनस माइनस, मतलब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब मेरे को अप में मूव करना है ना, अब मैं अप में मूव करूंगा, ठीक है, अप मूव करना है मुझे, तो मैं आई माइनस माइनस कर दूंगा, मतलब इस आई पे आ जाऊंगा, और मैं इसकी वजह से, इस लूप की वजह से जे माइनस माइनस, मेरा ये जे इक्वल टू माइनस वन पे आ गया था, तो जे इक्वल टू वापस से 0 पे लाने के लिए मैं जे प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इधर आ गया, इस वाले एलिमेंट पे आ गया, अब मेरे को अप मूव करना है, ठीक है, अप मूव करना है मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं कितनी बार मूव करूंगा अप में, ये मेरा एन माइनस टू बार, ठीक है, अभी अभी एन माइनस टू बार अप में मूव करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, वही एलिमेंट के बराबर कर दूंगा, एलिमेंट प्लस प्लस, और आई माइनस माइनस, मतलब मैं आई को रिड्यूस करता जाऊंगा, ठीक है, और फिर एंड में क्या होगा मेरा, अब अगली बार के लिए, अगली बार के लिए मेरा अब क्या हो जाएगा, ये मेरा बी था, तो अब मेरा वापस से दो से रिड्यूस हो जाएगा, अब अगली बार मैं अब यहाँ पे मूव करूंगा, ठीक है, तो अब रिड्यूस हो गया अब माइनस टू। फिर क्या, अब मेरे को क्या, कहाँ मूव करना है, राइट में मूव करना है ना, राइट में मूव करने के लिए क्या होगा, अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं सॉरी मतलब यहाँ पे नहीं हूँ, मतलब यहाँ, ठीक है, तो मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है ना, राइट में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, जे को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, जे को प्लस प्लस कर दिया, तो मैं यहाँ पे आ गया, है ना, और मेरा आई क्या है, इस लूप की वजह से यहाँ पे आ चुका होगा, आई इक्वल टू 0 पे, तो मेरे को वापस आई को प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए, ठीक है, तो आई प्लस प्लस कर दिया, तो मैं इस पे आ गया। अब ये कितनी बार मूव करेगा, एंड मेरा जो राइट था, ठीक है, वो मेरा एन माइनस टू बार मूव करेगा, और फिर ऐसे ये सेम चीज, ये होगा, ठीक है, ठीक है, ये होगा पिंक वाला, है ना, और फिर ऐसे लूप चलता जाएगा, ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, कोड पे आ जाते हैं और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या करा, पहले राइट लेफ्ट सबको इनिशियलाइज कर लिया, एलिमेंट को भी इनिशियलाइज कर लिया, मैट्रिक्स बना दी, सब में 0 भर दिया, ठीक है, फिर आई आई कॉमा जे को इनिशियलाइज कर दिया, फिर मैंने क्या करा, राइट में मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, राइट में मूव कर रहा हूँ, ये काउंट भी मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ही मैं एन क्रॉस एन काउंट को, मतलब इतने एलिमेंट भर दूंगा, तब मुझे स्टॉप कर लेना है, ठीक है, तो वो सब मैं डाल दूंगा, ठीक है, जैसे ये काउंट 0 हो जाएगा मेरा, मैं ब्रेक कर जाऊंगा लूप से, ठीक है, तो मैंने क्या करा, राइट में मूव करा, राइट में मूव करा, मैंने मैट्रिक्स के बराबर कर, एलिमेंट को मैट्रिक्स के बराबर करा, एलिमेंट की वैल्यू बढ़ा दी, जे को प्लस प्लस कर दिया, मतलब मैं राइट में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये लूप चलेगा, ठीक है, करंट राइट बार, अभी करंट राइट कितना है, राइट है वो है एन, एन बार चलेगा, फिर राइट राइट कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 2 से, ठीक है, फिर जे माइनस माइनस कर दिया, मतलब मैं अब डाउन डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, डाउन डायरेक्शन में मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये है ना, मेरे को एक ज्यादा कर देगा, तो उसके लिए मैं एक माइनस कर दूंगा और आई प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब मैं डाउन डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1, फिर सेम चीज मैं वापस इसके लिए करूंगा, ठीक है, और हर जगह मैं चेक करता रहूंगा, काउंट 0 तो नहीं हो गया, काउंट 0 तो नहीं हो गया, और जैसे ही 0 होगा ब्रेक कर लेना है मुझे, ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, और एंड में मैट्रिक्स रिटर्न कर दूंगा। थैंक यू, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स ऑल।